तो इस वीडियो में आपको Realme के नए स्मार्टफोन Realme X के बारे में बताने वाला हूं। तो फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दो और चले जाते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में। तो जैसा कि मैं आप लोगों को मेरे कुछ दिनों पहले अपलोड किए गए वीडियो में बताया था कि Realme अपना एक नया स्मार्टफोन लाने वाली है और इस स्मार्टफोन का नाम Realme X होने वाला है। तो फिलहाल Realme ने अपने इसी नए स्मार्टफोन Realme X को लॉन्च कर दिया है और ये स्मार्टफोन पॉपअप सेल्फी कैमरे के साथ आता है। तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी इस स्मार्टफोन की। मगर आप लोगों को बता दूं कि ये स्मार्टफोन फिलहाल चाइना में लॉन्च हुआ है और भी आने वाले टाइम में ये स्मार्टफोन हमें इंडिया में भी देखने को मिल जाए। तो प्राइस के बारे में बात करें तो Realme X की जो स्टार्टिंग प्राइस रखी गई है चाइना में, उसे अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके बताऊं तो Realme X की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 15,400 रुपए रखी गई है चाइना में, और इंडिया में इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो मे भी 15,000 के अंडर में ही रखा जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में। तो फ्रंट में हमें फुल व्यू डिस्प्ले दिया गया है और डिस्प्ले में हमें काफी कम बेजल्स देखने को मिलता है और डिस्प्ले के नीचे का जो चिन्ह है ना, उसे भी काफी हद तक पतला रखने का कोशिश किया गया है। साथ ही इसमें हमें पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया गया है। और स्मार्टफोन के बैक साइड के बारे में बात करें तो इसका जो भी बैक साइड का फिनिशिंग है वो लगभग सेम सा देखने को मिलता है Realme 3 Pro की तरह। साथ ही स्मार्टफोन के बैक साइड में हमें डुअल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो डिस्प्ले के बारे में बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें 6.53 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ आता है। साथ ही इसमें हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल आता है जो कि काफी बड़ी बात है इस प्राइस टैग में। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर दिया गया है और ये सेम प्रोसेसर है जो हमें Realme 3 Pro में भी देखने को मिलता है। तो अगर आपको इस प्रोसेसर के बारे में ज्यादा जानना है तो मैं ऑलरेडी एक स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर के ऊपर डिटेल वीडियो बना चुका हूं। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। बात करें स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 9 पाई के ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा जो कि बेस्ड है कलरवाइज 6.0 पर। तो अब बात करते हैं स्मार्टफोन के कैमरे की। तो इसमें हमें डुअल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है जहां 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है और 5 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा दिया गया है। साथ ही इसमें हमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। रैम और इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन 3 वेरियंट में आता है, जहां पहला जो वेरियंट है वो 4 GB की रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। साथ ही इसका दूसरा जो वेरियंट है वो 6 GB की रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है और इसका तीसरा जो वेरियंट है वो 8 GB की रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। बात करें स्मार्टफोन की बैटरी की तो इसमें हमें 3765 mAh का बैटरी दिया गया है जो कि ओप्पो के वूक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। साथ ही इसमें हमें टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की प्राइस की। तो इस स्मार्टफोन की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 15,400 रुपए रखी गई है और इस प्राइस टैग में हमें 4 GB की रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरियंट देखने को मिल जाता है। साथ ही इसका दूसरा जो वेरियंट है वो 6 GB की रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी जो कीमत है वो 16,400 रुपए रखी गई है। और इसका तीसरा जो वेरिएंट है वो 8 GB के रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी जो कीमत है वो 18,500 रुपए रखी गई है। तो ये था Realme के नए स्मार्टफोन Realme X को लेकर एक छोटा सा अपडेट। तो नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा और जब ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा तो इंडिया में इसकी स्टार्टिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। और अगर आपका कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं इसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। और इसी तरीके के टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।